फ्रेंड वेलकम बैक टू सिक्यारी एडिटर चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मल फोटो ले लेते हैं जिसको एडिट करेंगे। यहाँ से आपको आ जाना शेयर्स वाला आइकन पर आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर्स वाला आइकन पर आइएगा और स्नैप सीड एप्लीकेशन में चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्नैप सीड एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा टूल्स का आइकन, ध्यान से देखिए टूल्स का आइकन। ठीक है फ्रेंड्स, उस टूल्स वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा ये आइकन, ट्विन इमेज का आइकन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस ट्विन इमेज वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और एम्बिनेंस को रख लीजिएगा 16 रख लीजिए, इतना डन कर दीजिएगा। फिर इतना करने को फिर से आपको टूल्स वाला आइकन पर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, टूल्स पर आइएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा हीलिंग का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिए हीलिंग का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, हीलिंग का ऑप्शन, उस हीलिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और ऐसे जूम कर लेना है और जहाँ जहाँ पिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी गायब हो जाएगा, जैसे देखिए ऐसे ऐसे छोटा छोटा, जैसे अगर बड़ा कीजिएगा तो बड़ा पिंपल आएगा, डाउन होगा। जैसे मान लीजिए बड़ा कीजिएगा तो इसको ख़राब हो जाएगा फोटो, इसीलिए आपको ऐसे छोटा करना है और पिंपल को गायब करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी वीडियो समझ में आएगा। इतना होने के बाद डन कर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना होने के बाद है ना आपको यहाँ पर दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, ध्यान से देखिए सेटिंग शेयर का ऑप्शन दिखेगा, उस शेयर्स वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और अपने लाइट रूम के अंदर आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करिएगा लाइट रूम के अंदर और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पर आपको लाइट रूम के अंदर चले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एडिट का ऑप्शन दिखेगा, उस एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको लाइट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस लाइट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा ना उस ब्लैक्स को रख लीजिएगा, आपको रख लेना है ब्लैक्स को 34 और वाइट को रख लीजिएगा 22। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद है ना आपको यहाँ पर देखिएगा कलर्स का आइकन, उस कलर्स वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और मिक्स पे जाइएगा और यहाँ पर आपको देखिएगा ग्रीन टोन का ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीन टोन का, उस ग्रीन टोन पे जाइएगा और सेचुरेशन को पूरा जीरो कर लो, माइनस में जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद येलो टोन पे जाइएगा और सेचुरेशन को पूरा जीरो कर दीजिएगा और ऑरेंज टोन पे आइएगा और सेचुरेशन को अपने फेस के मुताबिक 66 रख लीजिएगा और ल्यूमिनस को यहाँ से इसको फुल कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको रेड टोन पे आना है, इसका सेचुरेशन कुछ इस तरह से 64 कर लीजिएगा और ल्यूमिनस को पूरा फुल कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको डन कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखिएगा, नीचे देखिएगा ओपेसिटी का ऑप्शन देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओपेसिटी का, उस ओपेसिटी का ऑप्शन क्लिक करिएगा और दोनों को आपको ऑन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप फोटो का रिजल्ट देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और आप बताएंगे कि फेस स्मूथ कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा आपको सेंड्स का आइकन। ठीक है फ्रेंड्स, उस सेंड्स वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको शेयर वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑटोडेस्क स्केच बुक में आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोडेस्क स्केच बुक में आ जाएगा और ऑटोडेस्क स्केच बुक में आने के बाद आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन देखेगा ऊपर में। ठीक है, उस लेयर्स वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और जो पुराना वाला फोटो एडिट किए उसको डिलीट कर दीजिएगा और नया नया ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा आपको पेंसिल का आइकन। ठीक है, उस पेंसिल वाला आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और ऊपर आना है, आपको यहाँ पर एक ब्रश मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 के नीचे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, तो ठीक है इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा और ये पहले से रहेगा आपको स्टैंडर्ड पर आएगा ना, तो आपको यहाँ से इसको स्टैंडर्ड पर आएगा तो आपको यहाँ से आपको इस पर क्लिक कीजिएगा और स्मूथ है ना उस पर क्लिक कीजिएगा और फॉलो को रख लीजिएगा 9 रख लीजिएगा और स्ट्रेट को 29 और साइज अपने फेस के मुताबिक। ठीक है, इतना करने के बाद आपको
बैक आ जाना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। हल्का हल्का अप्लाई अपने फेस पर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे हल्का हल्का अप्लाई कीजिएगा। देखिए एकदम गजब तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स।